सब अच्छे होंगे। तो आज मैं बनाने वाली हूँ केले के कोफ्ते की सब्जी। तो बिना देर किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल सिंपल तरीके है। तो केला के कोफ्ते की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 5 केले, जो कि मैंने प्रेशर कुकर में 2 सीटी लगाए हैं, उबले हुए हैं। तो ये 5 केले हैं और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच मिक्स मसाला, 1/2 चम्मच हल्दी और 1/2 चम्मच मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्च। और स्वाद के अनुसार हम नमक डालेंगे इसमें। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/2 चम्मच नमक। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच अजवाइन। और अब मैं इसमें डालूंगी बेसन, 1/2 कप बेसन। और इसे हम अच्छे से मिला लेंगे। तो मैंने अच्छे से मिला लिया है इसे। और अब मैं इसका बनाऊंगी पकौड़ा। आप देख सकते हैं अच्छा से मिल गया है ये। और यहाँ पे मैं सरसों तेल को गरम कर रही हूँ। सरसों तेल गरम हो रहा है, तब तक मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। तो पेस्ट बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज के प्याज, 3 हरी मिर्च, 10 से 12 कली लहसुन का, और टमाटर मैंने लिया है 3 मीडियम साइज के। तो इसका हम पेस्ट बनाएंगे। तो इसका बना रही हूँ मैं पेस्ट। और मेरा पेस्ट भी हो गया है तैयार। और अब मैं इसमें पकौड़े बना बना कर डालूंगी। तो आप देख सकते हैं गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेंगे। तो इसी तरीके से हम सब बना लेंगे। तो यहाँ पे सब मैंने बना के रख लिया है। और सरसों तेल भी गर्म है, तो अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच जीरा। एक तेज पत्ता, 2 लाल मिर्च, सूखी लाल मिर्च है, इसे गोल्डन ब्राउन होने देंगे। मैंने जो पेस्ट बनाया है, और अब मैं उस पेस्ट को डालूंगी। इसे 2 मिनट तक हम भूनेंगे धीमी आंच पे। तो अब 2 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ मसाला। मसाला में मैं डाल रही हूँ मिक्स मसाला 2 चम्मच, मिक्स मसाला 2 चम्मच, और 1/2 चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हल्दी, 1/2 चम्मच लाल मिर्च,
और इसे धीमे आंच पे भूनेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी सबसे पहले आपके पास जाएगी। इसे हम धीमे आंच पे भूनेंगे मसाले को। और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगेगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि सब्जी कैसी बनी है। बहुत ही सिंपल तरीका है वैसे। तो एक मिनट तक हम इसे भूनेंगे। तो एक मिनट हो चुका है। कलर कितना सुंदर लग रहा है ना, बहुत अच्छा कलर लग रहा है। मेरे यहाँ तो चिकन ये सब बनता नहीं है, न फिश बनता है न मटन बनता है, कि आपके साथ शेयर करो। बहुत दुख है जिंदगी में, बहुत दुख। अब मैं इसमें डालूंगी पानी। और इसमें मैं डाल रही हूँ नमक मैं डाल रही हूँ इसमें एक चम्मच, क्योंकि पहले भी मैं नमक डाल रखी हूँ इसलिए मैं इसमें कम नमक डाल रही हूँ। तो आप देख सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जो मैंने बनाया है कोफ्ता, उसे तो अब मैं इसको डालूंगी कढ़ाई में। तो मैंने इसमें नमक डाला था, ठीक है, तो इसलिए मैं उसमें कम नमक डाली हूँ, क्योंकि ज्यादा नमक ना हो जाए। तो इसे हम एक मिनट तक धीमे आंच पे छोड़ देंगे पकने के लिए। तो एक मिनट हो चुका है और अब मैं गैस को कर दूंगी बंद। देखते हैं कैसा कलर आया है। गरम है थाली, हाथ भी जल गया मेरा। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया का पत्ता कटा हुआ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। तो अब मैं कर रही हूँ वीडियो को यहीं पे एंड। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी। अगर मेरी वीडियो अच्छी आज की लगी तो लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि मेरी सब्जी कैसी बनी है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।